सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर वीडियो। दिस इज आयुष एंड आज मैं हूँ स्विच के पवेलियन में। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक एक बस है स्विच की EI V7, वो शोकेस की गई है। फ्यूचरिस्टिक बस है थोड़ी सी। इलेक्ट्रिक बस किस टाइप की होगी, अगर आप लोग अराउंड 24-27 सीटर बस देख रहे हैं अपने लिए और जानना चाहते हैं कि इस टाइप की बस में क्या कुछ फीचर्स वगैरह आप लोगों को मिलेंगे, चार्जिंग जो है वो टाइम क्या रहेगा, कितनी चलेगी एक चार्ज में, आज इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ें डिटेल में बताने वाला हूँ। सबसे पहले बाहर से देखेंगे, उसके बाद में चलेंगे अंदर और देखेंगे कि अंदर बस के अंदर क्या कुछ चीज़ें हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा बड़ा ग्लास जो है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, काफ़ी क्लियर ग्लासेस जो है वो मिल रहे हैं। उसके बाद में कुछ इस टाइप की डेटम रनिंग लाइट्स और प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, टर्न इंडिकेटर वगैरह जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं। फ्रंट ग्रिल जो है यहाँ पर भी लाइट्स लगाई गई है। खैर अभी जो है ये लॉन्च हुई नहीं आई डोंट थिंक, तो दैट्स वाई यहाँ पर ये लाइट्स आपको दिख रही है। अदरवाइज जो स्विच है ये डेफिनेटली ग्लो करेगा बिकॉज स्विच कंपनी की इलेक्ट्रिक बस जो है वो अब चलना स्टार्ट भी हो गई है मुंबई में, और यहाँ पर भी आपको सेम कॉन्सेप्ट जो है मिल रहा है। और जो कलर है वो भी काफ़ी अलग जो है डिफरेंट यहाँ पर दिया गया है। तो ये चीज़ें हैं और बाकी साइड से भी आप देख सकते हैं बस कुछ इस टाइप से दिखाई दे रही है। ये लाइक परमानेंट मैग्नेट के ऊपर बेस्ड है। 1100 NM का टॉर्क जनरेट करती है ये बस। 24 सीटर जो है ये बस है और ड्राइवर इसके अंदर जो है वो आप लोगों को अलग से बैठने के लिए सीट दी गई है। 400 mm का जो है इसके अंदर फ्लोर हाइट रखी गई है। और बाकी अगर बात करें तो 1.5 से 2 घंटे में ये बस जो है वो पूरी फास्ट चार्जर से चार्ज हो जाएगी और 250 किलोमीटर जो है वो आप इसको एक सिंगल चार्ज पे चला सकते हैं। ये MRF के टायर्स जो हैं वो लगे गए हैं, काफ़ी अलग टाइप के टायर्स जो है वो इस बस के अंदर रखे गए हैं। कलर जो है वो डेफिनेटली काफ़ी कूल लग रहा है। इस टाइप की बस अगर सड़क पर चलेगी तो लिटरली कितनी ज़्यादा कूल, कितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव जो है ये दिखेगी। EI V7 यहाँ पर लिखा है, इसको आप कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। हिंदुजा ग्रुप की यहाँ पर बैजिंग की गई है बिकॉज स्विच जो है वो हिंदुजा ग्रुप का ही लाइक पार्ट है। और ऊपर कैमरा आप लोगों को दिया गया है ड्राइवर के लिए, ताकि पीछे से वो देख सके कोई आ रहा है, व्हीकल वगैरह है, उसको पीछे कभी पार्क करनी है तो उसमें हेल्प करेगा। यहाँ पर ये जो लाइट्स हैं वो आप लोग देख सकते हैं किस टाइप की लाइट्स जो है वो यहाँ पर रखी गई है। बाकी जो पूरा लेआउट है वो आप लोगों के सामने है। अगेन यहाँ पर MRF के टायर्स जो हैं वो लगे गए हैं। ये नॉर्मल काफ़ी टायर लगे गए हैं, यहाँ पर कुछ अच्छा जो है वो कंपनी कर सकती थी। अब चलते हैं अंदर और देखते हैं कि अंदर आने में क्या कुछ फीचर्स आप लोगों को मिलते हैं। तो ये आ गए हैं अंदर। कुछ इस टाइप का लेआउट है, काफ़ी खाली खाली एरिया है। अगर कभी आप लोगों को कुछ यहाँ पर सामान वगैरह रखना है, खैर रख सकते हैं। नीचे तो मैंने कुछ देखा नहीं है। एक चीज़ अच्छी लगी, यहाँ पर सॉकेट प्रॉपर दिया गया है मोबाइल चार्ज करने के लिए और USB पोर्ट भी दी गई है। कभी यहाँ पर बैठ के आप अपने लैपटॉप पर काम करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं चार्ज में लगा के। खैर फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको ये आर्मरेस्ट मिल जाते हैं। जो सीट्स हैं इनका लेआउट काफ़ी अच्छा है। कुशनिंग जो है वो सीट की काफ़ी अच्छी यहाँ पर सॉफ्ट रखी गई है, ताकि लंबे सफ़र पे भी अगर आप लंबा जाओगे तो 250 किलोमीटर से ज़्यादा से चलेगी नहीं है। फिर उसके बाद में ये बालकनी सीट जो है वो आ जाती है, यहाँ पर भी आपको सारे चार्जिंग सॉकेट्स, USB पोर्ट वगैरह जो है वो मिल जाते हैं। और पीछे चलते हैं तो यहाँ पर एक और स्टेप जो है वो आ जाता है, और ये 2+2 का लेआउट जो है वो बस का यहाँ पर बनाया गया है। इधर थोड़ा सा स्पेस जो है वो रखा है, तो 2, 4, 6 इधर हो गया टोटल 12, और फिर उसके बाद में इधर 15 और 2, 17 और 2, अपना हो गया 19, 20। तो 20-21 सीटर जो है वो अभी इस लेआउट के अंदर इसको रखा है, उसको कस्टमाइज़ करके आप अलग अलग जो है वो कर सकते हैं। तो ये पूरा बस है। ऊपर आपको LED लैंप्स जो है एम्बिएंट लाइटिंग के अंदर मिल जाते हैं। कंप्लीट AC जो है वो ये बस रखी गई है। एक बार फिर भी आप अच्छे तरीके से जो है वो देख लीजिए इसको। और यहाँ पर ये ग्लास जो है वो लगाया गया है, इनकी ये फाइबर है, प्रॉपर ग्लास नहीं है। ये जो कटिंग है वो भी इतनी शार्प तरीके से अभी करी नहीं गई है। आगे देखते हैं आगे क्या कुछ चीज़ें मिलती है। तो यहाँ पर कई सारे स्विचेस जो हैं वो रखे गए हैं, और ये स्टीयरिंग व्हील का स्पीड वगैरह जो है वो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं। खैर इलेक्ट्रिक हो या नॉर्मल IC इंजन हो, बस जो है वो 80 ज़्यादा स्पीड पर जो है वो नहीं चल सकती है। और यहाँ पर कुछ और फीचर हैं जो कि अभी आई डोंट थिंक ये ओके। पासवर्ड डाल के कंट्रोल जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पर सारे लाइट्स के और फैन के कंट्रोल जो हैं वो दिए गए हैं। बस को अगर टिल्ट करना है लेफ्ट साइड में तो, या वो राइट साइड में, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये फीचर्स इंडिया में इतने ज़्यादा भी आए नहीं है, फेमस नहीं हुए हैं, बट दुबई वगैरह में बहुत ज़्यादा फेमस जो है ये फीचर हुए हुए हैं। और इधर जो है कई सारे लाइट्स के और कंट्रोल जो हैं वो आपको मिलते हैं। ये रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव और स्पोर्ट्स, ये जो गेयरबॉक्स यहाँ पर जो है वो रखा गया है, सिर्फ आपको बटन प्रेस करना है। यहाँ पर और लाइट्स के स्विच, लाइक कितनी सारी लाइट्स हैं ना, तो सभी के स्विचेस यहाँ पर दिए गए हैं। ड्राइवर सीट जो है वो भी काफ़ी कुशनेबल यहाँ पर रखी गई है।